गुड मॉर्निंग। आज अपन कल पढ़ा था प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में, उसके आगे बात करेंगे। आज अपन प्रतिरक्षियों के प्रकार पढ़ेंगे। प्रतिरक्षी की संरचना कल पढ़ चुके थे, अंग्रेजी के वाई अक्षर की जैसी संरचना होती है, दो भारी बड़ी श्रृंखला होती है, दो छोटी हल्की श्रृंखला होती है, कितने अमीनो अम्ल पाए जाते, सबकी बात हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे प्रतिरक्षी के प्रकार। तो जो प्रतिरक्षी के जो प्रकार है वो पांच प्रकार के माने गए हैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग, के प्रतिरक्षियों में पांच प्रकार पाए जाते हैं, वो भी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पाए जाते हैं। कि जो भारी या अपन बड़ी के भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में आपके कितने प्रकार पाए जाते हैं, एंटीबॉडी के प्रतिरक्षियों के पांच प्रकार पाए जाते हैं। और इन्हें यूनानी भाषा के अक्षरों में लिखा जाता है। क्या क्या लिखा जाता है, देखो आप कौन कौन से प्रकार है मैं आपको याद करने तरीके उसको आप लिख सकते हैं। देखो एक है आईजी से लिखते हैं, ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी शॉर्ट में आईजी लिखते हैं, तो आईजी पांच पहले लिख लीजिए, पांच आईजी और ये आईजी, ठीक है। अब देखो आईजी ए आईजी एम आईजी ई और आईजी आपके डी, ये पांच प्रकार होते हैं एंटीबॉडी के। याद करने का तरीका है गम दे, ठीक है, यह आप याद कर सकते हैं। गेम से फिर डी याद अलग से याद करना, जैसे गम दे ये आपके हो जाएगा जी का आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी आईजी, ये हो गए आपके। अब यूनानी भाषा अक्षर कौन कौन से हैं, देखो इनके नाम से, जी का मतलब होता है गामा, क्या होता है गामा, क्या कहा जाता है इसको, गामा कहा जाता है। और आपके जो गामा है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है गामा, ठीक है। फिर आईजीए का मतलब होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा जो है वो आपके किताब का कोडिंग देखें या अल्फा को ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, ये क्या है अल्फा, ठीक है, और ये अल्फा हो गया आपके। फिर एम का मतलब हो गया, एम से याद करने का याद रखेंगे आप म्यू, क्या होता है म्यू, और म्यू को ऐसे लिखा जाता है म्यू, एम मतलब म्यू। फिर आता है आपके आईजीई को कहा जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को लिखा जाता है इस प्रकार से एप्सिलॉन। और लास्ट बच्चा आपके डी, इसे बोला जाता है डेल्टा, और डेल्टा को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। सिंपल सा तरीका बता दिया कि भाई प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, पांच, किसमें, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर। और इनको यूनानी कौन कौन से पांच हैं, आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीई और आईजीडी, याद करने का तरीका गम दे, है ना। उसके बाद के बाद में बात करें अपन कि भाई पांच है इनका यूनानी भाषा में क्या नाम है, तो सिंपल सा नाम है याद करने का तरीका कि भाई आपके जी का मतलब हो गया जी से गामा, ए से अल्फा, एम से म्यू, ई से एप्सिलॉन और डी से डेल्टा, और इनके चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा तरीका, अल्फा को इस प्रकार से लिखा जाता है म्यू एप्सिलॉन डेल्टा और गामा, ये आपके पांच प्रकार के क्या हो गए आपके भारी श्रृंखला के आधार पर। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के, किस श्रृंखला के आधार पर, भारी श्रृंखला के आधार पर। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। अब इसके आगे पढ़ते हैं, देखो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं की बात करेंगे, सब पूरी बात करेंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम के अकॉर्डिंग उनकी भी चर्चा करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब देखिए आप कि भारी श्रृंखला के आधार पर कितने प्रकार के हो गए आपके, पांच प्रकार के हो गए, ठीक है। अब इसमें और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो आईजीए होता है, आईजीए
और एक आपके बात करें अपन IgA और एक IgM की बात करें, IgM, ठीक है। तो इन दोनों की क्या विशेषता है कि IgA जो होता है वो एक आपके द्विलक होता है, डबल रूप में पाया जाता है, डाइमर बोलते हैं, और IgM जो होता है वो पंचलक होता है, पांच इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो आप इनका ध्यान रखेंगे, द्विलक और पंचलक, ठीक है। बाकी सभी इनके अलावा जो तीन हैं वो सभी क्या रहेंगे आपके, एकलक रहेंगे। बाकी सभी जो बचे हुए तीन हैं वो क्या रहेंगे, एकलक। कौन से तीन, IgG, देखो जी आ जाएगा एक, तो एक IgG, कौन सा बाकी रहेगा, देखो गम में, गम दे में डी हो जाएगा, एक IgE हो जाएगा। ये तीनों क्या होते हैं, एकलक होते हैं, मोनोमर होते हैं, एक ही इकाई पाई जाती, ये द्विलक होते हैं और ये पंचलक, पांच IgA मिलकर बने होते हैं, IgA दो मिलकर बने होते हैं, द्विलक, पंचलक और एकलक। तो इनमें से पूछा जा सकता है एकलक कौन से होते हैं, द्विलक कौन से होते हैं, पंचलक कौन से होते हैं, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ का आप भी ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे महत्वपूर्ण पॉइंट बात करते हैं, क्या है कि भाई IgG जो है वो आपके IgG जो है इसकी बात करते हैं। सबके एक एक पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये अपने शरीर में संवहनी, संवहनी मतलब ये आपके रक्त में और अन्य द्रवों में पाई जाती है, रक्त व अन्य द्रव, अन्य द्रव मतलब आपके प्लाज्मा है और जो भी शरीर में पाया जाता है उनके अंदर ये पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि IgG एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो ओवेल आपके, किसको आपके इंग्लिश में बोला जाता है प्लेसेंटा और हिंदी में बोला जाता है ओवल, या इसे कहा जाता है अपरा और इंग्लिश में कहा जाता है इसे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को पार करने वाली प्रतिरक्षी। अब देखो अपरा, ओवल, प्लेसेंटा क्या होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जैसे मान लीजिए माँ के गर्भ है और बच्चा इसके अंदर ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो बच्चे के शरीर से और माँ के शरीर से कनेक्टेड एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है आपके अपरा, ठीक है, या प्लेसेंटा या आंवल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो भी माँ भोजन ग्रहण करती है, ठीक है, चाहे वो भोजन ग्रहण करे, चाहे वो आप ऑक्सीजन ले, चाहे वो जल ग्रहण करे, तो बच्चे को जो मिलता है 9 महीने तक उसके द्वारा मिलता है, ये अपरा क्या करती है, माध्यम का कार्य करती है। जो भी माँ ग्रहण करेगी उसका असर बच्चे पे पड़ेगा, बच्चा वही करेगा, उसी से शोषण करेगा, इसी से पाचन करेगा, इसी से उत्सर्जन करेगा। तो ये आपके क्या है, अपरा या अमल क्या है, प्लेसेंटा क्या है, बच्चे और माँ के बीच में कनेक्टिंग लिंग है जिसके द्वारा बच्चा माँ के, माँ से पोषण ग्रहण करता है। तो ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो अमल या अपरा को आपके पार करके बच्चे में आती है। तो इस चीज़ का आप खासतौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अब अमल या अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुँचने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgG। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी महत्वपूर्ण है कि वे ऐसी कौन सी आपके एंटीबॉडी है जो संवहनी अवस्था में या रक्त वहनी द्रवों में क्या करती रहती है, आपके गति करती रहती है, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, उपस्थित होती है कि भाई संवहनी अवस्था में रक्त यानी पदार्थ में कौन सी पाई, अन्य द्रव्यों में कौन सी पाई जाती है, तो IgG। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये वाला है। अब आगे इसकी और बात करते हैं। अब एक बात करें IgG के बारे में, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई सबसे जो आपके पांच एंटीबॉडी पाई जाती है, इन पांच एंटीबॉडी में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी होती है, तो वो भी किसकी होती है, IgG की होती है सांद्रता सबसे अधिक, या ऐसे कह सकते हैं सबसे अधिक मात्रा, अधिक मात्रा किसकी होती है, IgG की। तो ये आपके IgG के बारे में तीन महत्वपूर्ण पॉइंट अपने चर्चा की, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई सर्वाधिक सांद्रता या सर्वाधिक मात्रा किसकी, IgG की। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बनेगा भी जो पढ़ेंगे एक पैराग्राफ ये प्रतिरक्षियों के प्रकार में से, ठीक है। सांद्रता सबसे अधिक किसकी, IgG की। आंवल या अपरा या प्लेसेंटा को पार करने वाली कौन सी, जो भ्रूण तक पहुँचती है, अपरा आंवल अपरा प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुँचने वाली कौन सी, IgG। और ये क्या होती है, संवहनी या रक्त वहनीय द्रव में पाई जाने वाली कौन सी होती है, IgG। तो IgG के तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे। और अपन ये पढ़ा IgG, IgD, आप इनको छोड़ दीजिए, IgA क्या, द्विलक, IgM क्या, पंचलक, बाकी सभी एकलक।
अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि भाई और क्या पॉइंट है महत्वपूर्ण प्रतिरक्षियों के प्रकार में से, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके के IgM, इसकी बात करते सभी महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे। IgM आपके ये एक ऐसी एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्रतिजन अनुक्रिया होती है तो सबसे पहले उत्पन्न होती है, कि जब भी अपने शरीर में प्रतिजन आएगा तो प्रतिजन से क्रिया करने के लिए क्या बनती है, प्रतिरक्षी बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है, तो IgM सबसे पहले बनने वाली, सबसे पहले बनने वाली क्या है आपके एंटीबॉडी है। ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाई सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, आपके IgM है। कि जब भी अपने शरीर में प्रतिजन आएगा और प्रतिजन जैसे क्रिया करता है, प्रतिजन आ जाता है, ठीक है, तो प्रतिजन आने पर जो सबसे पहले क्रिया करने वाला, ठीक है, या सबसे पहले एंटीबॉडी जो बनती है वो कौन सी है, IgM। उसके आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दूसरी एंटीबॉडी बन, तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है IgA के बारे में। किसके बारे में आता है, IgA, कि IgA ये ऐसी एंटीबॉडी है जो माँ के दूध में पाई जाने वाली होती है और अकेले प्रतिरक्षी, के बच्चे को जो माँ का दूध पिलाया जाता है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgA। तो माँ के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, कि भाई माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और किसके बारे में, IgE के बारे में, कि IgE क्या होती है, कि जब भी अपन को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो समय बेसोफिल क्या है, WBC है, बेसोफिल या मास्ट कोशिका, बेसोफिल या मास्ट कोशिका द्वारा IgE को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, और कब, एलर्जी के समय। ध्यान रखना कि जब अपन को एलर्जी हो जाती है तब कौन सी एंटीबॉडी सक्रिय हो जाती है, IgE क्या हो जाती है आपके, सक्रिय हो जाती है। तो अब अपन जो पढ़ लिया एंटीबॉडी प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये सबसे पहले अपने पढ़ा कि भाई भारी जो आपके श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड की, या ऐसे कैसे भारी या बड़ी जो प्रतिरक्षी होती है आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसके आधार पर एंटीबॉडी 5 प्रकार की, ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया, गम दे, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। उसके बाद बात की थी अपने एकलक और आपके पंचलक की बात करते हैं, तो उसमें अपने ये बात की थी कि भाई आपके IgA जो होता है वो द्विलक होती है, IgM होती है वो पंचलक होती है, बाकी सभी क्या होती है, एकलक होती है। उसके बाद में बात की थी कि IgG होती है, ये सेम वनी है, यह रक्त या अन्य द्रवों में पाई जाने वाली एकमात्र एंटीबॉडी। उसके बाद में बात की IgG आंवल यापरा को पार करके भ्रूण तक, किस तक, भ्रूण तक पहुँचने वाली एकमात्र एंटीबॉडी है। उसके बाद बात की थी IgA की सांद्रता या मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, पांचों एंटीबॉडी की बात करें सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, IgG पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि IgM एक ऐसी प्रतिरक्षी है, जब भी अपने शरीर में इन्फेक्टेड होगा, प्रतिजन अपने शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है, पांचों में से IgM बनती है। उसके बाद में बात की कि अपने IgA जो है, इसके बारे में बात की थी कि माँ के दूध में जो एंटीबॉडी पाई जाती, कहा जाता है बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो माँ के दूध में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी होती है, IgA होती है। और फिर उसके बाद बात की IgE कब बनेगी, जब भी अपन को एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ से एलर्जी होती है, धूल से हो सकती है, आपके धूप से हो सकती है, पराग, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, जब एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी स्थापित होती है, IgE। इसको स्थापित करने वाली कौन सी कोशिका है, कि बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं जो पाई जाती है, बेसोफिल WBC का प्रकार है, ये कोशिका क्या करती है, एलर्जी के समय IgE का उत्सर्जन करती है। और मैंने आपको बताया था इनको क्या कहा जाता है, तो M का मतलब IgM को किससे, यूनानी से भाषा बताया था, M का मतलब म्यू, A का मतलब अल्फा, E का मतलब एप्सिलॉन, G का मतलब गामा, और ये कौन सा बच गया आपके, D का मतलब डेल्टा। ऐसे याद करने का तरीका है, इनको याद करना आपको, ठीक है। तो ये आपके प्रतिरक्षी के प्रकार पूरे होते हैं, सिंपल सी बात थी।
आराम से पढ़ना, समझ आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनने के पूरे चांस है। अब अपन हेडिंग पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा वाला टॉपिक पूरा हो गया था, अपने चैप्टर का नाम क्या था, प्रतिरक्षा व रक्त समूह, तो प्रतिरक्षा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ठीक है। अब अपने अगली हेडिंग है अपने रक्त व रक्त समूह, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, इसकी बात करते हैं। तो रक्त क्या है, एक तरल जीवित ऊतक है, पहला पॉइंट क्या है, ये क्या है, तरल जीवित ऊतक है। कैसा ऊतक है, तरल जीवित ऊतक है, जो आपके कैसा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और आपके क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो सिंपल सी ध्यान रखना है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, आपको पता है गाढ़ा होता है रक्त होता है, पतला, ना तो पतला होता है ना ठोस अवस्था में, गाढ़ा अवस्था में होता है, चिपचिपा होता है, और कैसा होता है, तरल होता है, तरल मतलब जिनमें बहने का गुण पाया जाए, तो इस प्रकार का होता है। और ये किस में बहता है, रक्तवाहिनियों में बहता है, तो रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है, रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है मतलब बहता है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है, तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है रक्त, कि रक्त की बात करें तो एक तो रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा, जो निर्जीव पदार्थ है, प्लाज्मा निर्जीव, ठीक है। साथ में इसमें पाई जाती है आपके रक्त कणिकाएं, क्या पाई जाती है, रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स पाई जाती है, रक्त कणिकाएं, ये क्या होती है, जीवित संरचना होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रक्त किससे मिलकर बना होता है, तो रक्त क्या होता है आपके प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और प्लाज्मा जो होती है वो निर्जीव संरचना होती है, रक्त कणिकाएं जीवित संरचनाएं होती है, कि भाई प्लाज्मा जो होती है वो आंतों, जो आंतों से जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, और विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उससे जी अंगों तक लाने का कार्य होता है। ये प्लाज्मा का कार्य क्या है, कि शरीर की आंतों में जो पौष्टिक पदार्थ है उनको लाना, सभी अंगों तक पहुंचाना, और जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको अंगों आपके शरीर से इकट्ठा करके, हानिकारक पदार्थ है उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। ध्यान रखेंगे प्लाज्मा का कार्य क्या है, कि पोषक पदार्थों को अंगों तक पहुंचाना, पोषक पदार्थों को अंगों तक पहुंचाना, और हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को किसका कार्य है, प्लाज्मा का कार्य है, किसका, प्लाज्मा का, हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, क्लियर। कि भाई प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा आपके एक निर्जीव पदार्थ होता है, और प्लाज्मा आपके 55-60% पाया जाता है रक्त के अंदर। कार्य क्या है, कि जो भी आंतों के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, या तत्व जो होते हैं उनको विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको औषधीय अंगों तक पहुंचाना, ताकि शरीर में अवशिष्ट पदार्थ नहीं गिरे। अब अपन बात करें, इसकी बात हो गई, अपने प्लाज्मा की बात हो गई, अब कौन सा बचा, रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। तो रक्त कणिकाएँ तीन प्रकार की होती है, पहली फर्स्ट RBC, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं रेड का मतलब लाल, ब्लड का मतलब रक्त, और आपके सेल्स का आपके कणिकाएँ, तो लाल रक्त कणिकाएँ, फुल फॉर्म क्या होगी, लाल रक्त कणिकाएँ, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी होगी। फिर दूसरी है WBC, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी है आपके, उसकी बात करें कि दो हो गई, तीसरी लास्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं बिंबाणु, बिंबाणु, या इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोला जाता है, प्लेट
लेट्स, ठीक है, ए हो गई आपकी। इनके बारे में क्या देखा, इसका कार्य आरबीसी जो है इसका कार्य है गैसों का आपके परिवहन तथा विनिमय, परिवहन व विनिमय, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य जो है वो आपके है शरीर की रोगाणु से रक्षा करना, रोगाणुओं से रक्षा करना, से रक्षा करना। और प्लेटलेट्स का कार्य आपके है, इसका कार्य है रक्त स्त्राव को रोकना, कि भाई आपके एक तो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं अंदर धमनी शिरा, इनकी सुरक्षा करना, रक्त वाहिनियों की सुरक्षा, और रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, ये किसका कार्य है आपके, इनका हो गया। तो ये आपके रक्त के बारे में जानकारी हो गई कि भाई रक्त क्या है। देखिए सिंपल सी, रक्त एक तरल जीवित उत्तक है, ये चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है और तरल अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बात की, रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा निर्जीव संरचना है, रक्त कणिकाएँ जीवित संरचनाएँ, ठीक है। और प्लाज्मा का कार्य क्या है कि जो भी पोषक पदार्थ आंतों में पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उनको सभी अंगों तक या विभिन्न अंगों तक पहुँचाना, फिर इन अंगों से जो हानिकारक पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, उनको सभी अंगों तक पहुँचाना, ये कार्य किसका है, प्लाज्मा का हो गया। उसके बाद रक्त के एक से मुख्य बात होगी प्लाज्मा की, दूसरा है रक्त कणिकाएँ। तो रक्त कणिकाएँ वैसे आप 12th क्लास में 11th क्लास में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जितना होते हैं बात करते हैं। तो तीन प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बीमाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएँ, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएँ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप इस आरबीसी का कार्य क्या है, गैस का परिवहन विनिमय। गैस का परिवहन मतलब गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, जैसे ऑक्सीजन है इसको शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाना। फिर विनिमय मतलब गैस जो आपके ऑक्सीजन है ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना, ये कार्य किसका, आरबीसी का। फिर डब्ल्यूबीसी, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, रोगाणु से सुरक्षा करना। अभी पढ़ा था एंटीबॉडी निर्माण का कार्य किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। बी लसिकाणु पड़ते, बी लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा कोशिका, ये सब किसके प्रकार है, डब्ल्यूबीसी के। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, शरीर की सुरक्षा करना, जब भी शरीर में कोई रोगाणु आ जाता है, जीवाणु आ जाता है, प्रतिजन आ जाता है, विषाणु जो भी कहते हैं आता है, उनसे अपने शरीर की सुरक्षा का कार्य करता है। अब बीमाणु की बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें, तो बीमाणु या प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, पहली बात रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करते हैं, जिनमें रक्त बहता है, धमनी शिरा केशिका इन सब का। और मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थका होना। रक्त का थका बनने वाला होता है, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, ठीक है, चाहे वो बाइक से गिर जाए कि और भी गिर जाए, और हाथ रक्त निकलता रहता है, तो रक्त निकलता होगा आपने देखा कुछ बाद में अपना आप रक्त रुक जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। इसे ये बजाने का किसका होता है, बीमाणु। अब आप सोचिए रक्त का थक्का नहीं बनता तो क्या होगा, कि बेरक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त शरीर से बार बार बाहर निकलता रहेगा और अत्यधिक मात्रा में रक्त निकलने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आपने पढ़ा हुई बीमारी भी हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये हो गया आपके इनके बारे में जनरल जानकारी। अब अपन आगे इसके पढ़ेंगे, रक्त समूह की बात करते हैं कि भाई रक्त समूह क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपने अगली हेडिंग है, ये तो पढ़ा रक्त के बारे में, अब पढ़ रहे हैं अगली हेडिंग रक्त समूह की बात करेंगे। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले रक्त समूह के बारे में, रक्त समूह की खोज के बारे में, का खोज कैसे किससे जाता है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक हुए थे 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रक्त समूह के बारे में बताया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले रक्त समूह के बारे में बताने का श्रेय किसे जाता है, आपके कार्ल लैंडस्टीनर। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहले रक्त समूह के बारे में किसने बताया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। अब रक्त समूह का पता कैसे लगता है, तो रक्त समूह का पता लगता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ, तो आरबीसी की जो आपके सतह पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं, ठीक है। इन प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो रक्त समूह हैं इनका, इनको चार भागों में बांटा गया है। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से समूह। तो पहली बात याद रखना, रक्त समूह की खोज किसने की, 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब
रक्त समूह का कैसे किस आधार पर पता लगाया जाता है, तो आरबीसी की जो होती है लाल रक्त कणिका, इनकी सतह पर उपस्थित जो प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बताया जाता है रक्त समूह के बारे में। अब आपके जो है कि जो ये सामान्यतः जो प्रतिजन होता है आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ये किससे मिलकर बना हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, प्रतिजन प्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का बना हो सकता है या ग्लाइकोलिपिड का बना हो सकता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट या आपके ग्लाइकोलिपिड, तो इनसे मिलकर बना हो सकता है, कौन आपके ये प्रतिजन। और प्रतिजन जो होते हैं ये एक ही विकल्पी या इससे जो संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं तथा वंशानुगत रूप से माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं, कि भाई एंटीजन जो है ये आपके एलील्स, एक ही प्रकार के जो एलील्स होते हैं, ठीक है, एलील या विकल्पी बोलते हैं या युग्म विकल्प बोलते हैं, एलील या युग्म विकल्पी से क्या होते हैं आपके उत्पन्न होते हैं, एलील या युग्म विकल्पी से उत्पन्न होते हैं, और ये क्या होते हैं जो आपके माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं, फिर माता पिता जो होते हैं दोनों से प्राप्त होते हैं। इसका देखो मतलब क्या, मैं समझाता हूँ कि मतलब बच्चे का रक्त समूह जो होगा वो माता पिता के द्वारा डिसाइड होगा, कि भाई रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन करता है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और एंटीजन किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, विकल्प एक ही प्रकार के विकल्पीय जीन के द्वारा, और ये जीन किसके द्वारा होता है, माता के अंदर भी पाए जाते हैं और पिता के अंदर भी पाए जाते हैं, तो माता पिता से जो संतान उत्पन्न होगी, जो बच्चा उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसका जो रक्त समूह होगा, ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, माँ से आने वाला जो एंटीजन और पिता से आने वाला एंटीजन, उसके आधार पर बच्चे का ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन आएगा, ठीक है, और इस एंटीजन के आधार पर पता लगेगा इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बच्चे का किसी का भी ब्लड ग्रुप जो होता है वो उसके माता पिता पे निर्भर करता है, उसके माता पिता के प्रतिजन पे निर्भर करता है, कि भाई माता पिता के अंदर प्रतिजन कौन सा है। अब देखो सिंपल सी बात करें, कैसे पता चलेगा रक्त समूह कौन सा है क्या है, इसकी बात करते हैं। देखो कि भाई अपन बात करें आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी जो होती है, अभी बताया था आरबीसी क्या है, लाल रक्त कण है, तो आरबीसी में दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, एक तो पाया जाता है एंटीजन ए, एक पाया जाता है एंटीजन बी, प्रतिजन के हैं या एंटीजन के हैं एक ही बात है, तो दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रतिजन ए, एक होता है प्रतिजन बी, ठीक है। अब मान आगे देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट पर अपन पहुंच रहे हैं कि भाई जो प्रतिजन ए और बी है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांट रखा है, चार भागों में, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए, चार कौन कौन से भाग हैं, किस आधार पर, देखो तो रक्त समूह कितने के प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ए बी एफ बी और ओ, ये चार प्रकार के आपके रक्त समूह पाए जाते हैं, इनको शॉर्ट में अपने से भी लिख सकते हैं ए बी ओ, देखो ए बी एफ बी और ओ, तो ए बी ओ प्रकार का समूहीकरण पाया जाता है या रक्त समूह अपने शरीर में पाए जाते हैं। मान लीजिए आपकी जो आर बी सी है उस पर एंटीजन ए पाया जाता है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए रहेगा। मान लीजिए आपके आरबीसी पर जो एंटीजन या प्रतिजन है बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी रहेगा। सबको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं हो तो पता करना, ब्लड ग्रुप बी रहता है। मान लीजिए आपकी आरबीसी पर दोनों उपस्थित है, ब्लड ग्रुप दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए और बी, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी आएगा। मान लीजिए आपके जो आरबीसी में आपके एंटीजन पाया नहीं जाता है, एंटीजन है ही नहीं, एब्सेंट है, तो आपका रक्त समूह क्या आएगा, ओ आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, तो आपके प्रतिजन ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी पाया जाता है तो बी होगा, दोनों पाए जाते हैं आपके आरबीसी पर एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, और दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है, एंटीजन पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, आपकी आरबीसी में एंटीजन है ही नहीं, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अब आगे देखिए, ये तो हो गया आपके महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाई रक्त जो है, रक्त समूह का निर्धारण, सबसे पहले रक्त समूह के बारे में किसने बताया, कार्लिस्टेन ने, ठीक है, किससे पता चलता है रक्त समूह क्या होगा, तो आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, ठीक है, और प्रतिजन जो होते हैं वो एलील के द्वारा निर्धारित होते हैं, एक ही एलील के द्वारा निर्धारित होते हैं, और एलील जो होते हैं वो माता पिता के द्वारा बच्चों में जाते हैं। उसके बाद पढ़ा प्रतिजन कौन से पाए जाते हैं रक्त समूह में, दो प्रकार के होते हैं, ए और
बी प्रतिजन, और ए और बी प्रतिजन जो होते हैं वो आपके, ठीक है, ये इनकी उपस्थिति पर रक्त समूह का पता चलता है। तो रक्त समूह कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ। कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए आपकी आरबीसी, जब आपने देखो ब्लड ग्रुप टेस्ट करते कैसे करेंगे, ये नीडल लेंगे, आपकी उंगली पर डालेंगे, ब्लड निकालेंगे, स्लाइड पे लेंगे, ठीक है, फिर उसमें कुछ एंटीसीरी डाल के पता करते। तो मतलब आपका आरबीसी भी, आरबीसी में जो एंटीजन, मान लीजिए आपकी आरबीसी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आपकी आरबीसी में एंटीजन बी है या प्रतिजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, मान लीजिए ए और बी दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, मान लीजिए आपके आरबीसी में प्रतिजन है ही नहीं तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रतिजन और इनके बारे में पता चलता है। अब आगे अपन है आरएच कार्य क्या होता है, इसकी बात अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।